रिसर्चर ने जब चींटियों की मेगा कॉलोनी को देखा तो सब हैरान हो गए। दरअसल जब रिसर्चर ने चींटियों की कॉलोनी को देखा तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि चींटियों का घर अंदर से दिखता कैसे है और वो कितना बड़ा होता है। अब उनके पास कोई डोरेमोन का गैजेट तो है नहीं कि वे छोटे होकर उसमें चले जाएं और उसमें जाकर देखें कि वो कैसे दिखता है। इसलिए उन्होंने चींटियों की कॉलोनी की एंट्रेंस पर ढेर सारा सीमेंट डालना शुरू कर दिया और सीमेंट अंदर जा ही जा रहा था। रिसर्चर 3 दिन तक उसमें सीमेंट डालते रहे और 3 दिन बाद जाकर वो रुका। इस आंट की कॉलोनी में लगभग 10 टन सीमेंट लग चुका था। कुछ टाइम बाद जब वो सीमेंट सूखा तो 1 महीने बाद रिसर्चर ने वहां खुदाई करनी चालू करी और पूरी कॉलोनी की मिट्टी को हटाने में कई हफ्ते लग गए। उसके बाद जब उन्होंने चींटियों की इस मेगा कॉलोनी को देखा तो वे हैरान हो गए। चींटियों ने यहां जमीन के नीचे अपना अलग ही शहर बनाया हुआ था जिसे रिसर्चर ने मेगालोपोलिस नाम दिया। ये एक ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ महान शहर, जिसमें अनेक सुरंगें कक्ष और अन्य संरचनाएं बनी होती है। चींटियों की कॉलोनी में अलग अलग चैम्बर होते हैं जिसमें वे अपने बच्चों और अंडों की देखभाल करते हैं। लेकिन चींटियों की कॉलोनी कैसे वर्क करती है? चींटियां कॉलोनी में रहती हैं जिनकी संख्या कुछ दर्जन से लेकर लाखों तक हो सकती है। इनकी सोसाइटी मेनली 3 वर्ग में डिवाइड होती है, रानी चींटी, नर चींटी और श्रमिक चींटी। रानी चींटी पूरी कॉलोनी की हेड होती है जिसका काम अंडे देना और उसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन कराना होता है। ये अपनी लाइफ में लगभग लाखों अंडे दे सकती है। नर चींटी इनका काम बस प्रजनन का होता है, ये रानी के साथ मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं और जल्दी मर जाते हैं। मजदूर चींटियां पूरी कॉलोनी में भोजन लाना और कॉलोनी की देखभाल करना और उसमें साफ सफाई करना, ये सब इनका काम होता है। एक फैक्ट ये भी है कि चींटियों की कॉलोनी में अधिकतर काम श्रमिक चींटियां ही करती हैं, जैसे अंडे की देखभाल, कॉलोनी को दूसरी जीवों से सुरक्षित करना और भोजन लाना। चींटियों की देखने की दृष्टि और सुनने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी वो अपने सारे टास्क को पूरा कर लेती हैं। दरअसल ये आपस में कम्युनिकेशन के लिए फेरोमोन्स का इस्तेमाल करती है, चाहे वो भोजन का इकट्ठा करना हो या फिर दूसरी घुसपैठियों से अपनी कॉलोनी की सुरक्षा करना हो। चींटियां आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, ये सालों तक एक रहस्य बना हुआ था। पर 1962 में ईओ विल्सन, जो अग्रणी कीट विज्ञानी थे, इन्होंने चींटियों के कम्युनिकेशन पर रिसर्च की। उनके अंदर इस क्वेश्चन को लेकर जिज्ञासा थी कि चींटियां आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं और वे नए स्थान और भोजन के बारे में दूसरी चींटियों को कैसे बताती हैं। चींटियों पर रिसर्च करते हुए उन्हें पता लगा कि जब चींटियां चलती हैं तो अपने पेट को जमीन पर थपथपाकर चलती हैं और जब चलती हैं तो एक ही लाइन में चलती हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से फायर आंट्स के पेट को काटा और उस पर माइक्रोस्कोपी लेवल पर अन्य मशीनों से रिसर्च की। चींटियों के शरीर के सभी अंग को एक एक कर एप्लीकेटर स्टिक से कुचल दिया और साथ ही आंट्स में से अलग अलग फेरोमोन्स और एसिड्स को अलग किया। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने कागज पर फेरोमोन नामक रसायन लगाया तो सभी चींटियां एक ही लाइन में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब उन्होंने उस कागज पर ओलिक एसिड नामक रसायन लगाया तो सभी चींटियां उससे दूर जा रही थी। ये वही रसायन था जब चींटियां मर जाती है तो उनके शरीर से निकलता है। फिर उन्होंने वही रसायन ओलिक एसिड एक जिंदा चींटी पर लगाया और जब वो चींटी अपनी आंट्स की कॉलोनी में पहुंची तो बाकी सभी चींटियों ने उसे अपनी कॉलोनी से बाहर निकालकर किसी कूड़े के ढेर में रख दिया। और जब वह अपने आप को साफ कर वापस अपनी कॉलोनी में पहुंची तो सब चींटियों ने उसके साथ नॉर्मल बिहेव किया। अब इसके पीछे क्या रीजन था? आखिर आंट्स कॉलोनी कैसे वर्क करती है और आंट्स की कॉलोनी में श्रमिक चींटियां फीमेल्स ही क्यों होती हैं? इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें चींटियों के जन्म को समझना होगा। सबसे पहले चींटी का अंडा आता है। चींटियों का जीवन अंडे से शुरू होता है। रानी चींटी अंडे देती है और उसमें मेल के स्पर्म फर्टिलाइज कराती है। फिर 7 से 14 दिन बाद अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा व्हाइट कलर के छोटे कीड़े की तरह होता है जिसके हाथ पैर तो नहीं होते लेकिन एक मुंह होता है। रानी चींटी उन्हें अपने मुंह से चबाया हुआ भोजन खिलाती है क्योंकि ये खाने को नहीं चबा सकते। ये कॉलोनी का फ्यूचर होते हैं। रानी चींटी उन्हें समय समय पर साफ करती रहती है और अच्छी डाइट खिलाती है। इसमें रेगुलेशन भी शामिल करते हैं। ये तब बनता है जब भोजन पेट में जाता है और उसमें गैस्ट्रिक जूस व पाचक रस मिले हुए होते हैं।
ये भोजन उन्हें एनर्जी प्रदान करता है जो कि लार्वा के लिए नेसेसरी है। इसे खाकर वे अपने शरीर में प्रोटीन सब्सटेंस छोड़ती हैं, जो हवा के संपर्क में आकर ठोस बन जाता है। ये सिल्क के धागे की तरह होता है। लार्वा इन थ्रेड्स को अपने चारों ओर फैलाता है और फिर 14 से 20 दिन बाद लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, जो दिखने में कुकून की तरह होता है। इसका आकार और रंग अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली ये सफेद और हल्के भूरे रंग के होते हैं और इन्हें एक चींटी बनने में सही वातावरण और तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए श्रमिक चींटियां इन्हें टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग चैम्बर में उठाकर रख देती हैं। प्यूपा के अंदर लार्वा का चींटी में विकास होता है। उसमें आंखें, पैर, एंटीना और पंख आते हैं। 6 से 10 हफ्ते बाद वह एक पूरी चींटी में डेवलप हो जाता है। जिन चींटियों में पंख नहीं होते वे चींटियां अंडे नहीं दे सकती, वे बांझ फीमेल्स कहलाती हैं। लेकिन वे कॉलोनी में बाकी बहुत सारे काम जैसे भोजन लाना, कॉलोनी की देखभाल करना, कॉलोनी की साफ सफाई, घुसपैठियों से सावधान आदि करती हैं। बाकी जिन चींटियों में पंख होते हैं वे मेल और फीमेल आंट्स होती हैं। इन्हें कॉलोनी में ज्यादा भोजन दिया जाता है। कुछ टाइम बाद ये नई कॉलोनी बिल्ड करने के लिए उड़ जाते हैं। नर चींटी का जीवन कुछ हफ्ते तक ही होता है। वे रानी चींटी के साथ संबंध बनाकर मर जाते हैं। बाकी 500 चींटियों में से कुछ चींटियां ही सरवाइव कर पाती हैं, या ये कहें कि 1-2 चींटियां ही सरवाइव कर पाती हैं। और एक नई कॉलोनी की शुरुआत करने से पहले वे अपने शरीर से अपने पंखों को अलग कर देती हैं। और यही चींटियों का लाइफ साइकिल है। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि चींटियां हमें क्यों काटती हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।